शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आखिर पारशिवनी में नहीं हुआ क्रीड़ांगन, अब खेले तो खेले कहा। पारशिवनी शहर में बन रहा 6 साल से क्रीड़ा संकुल। क्रीड़ा युवक सेवा संचालय पुणे एवं जिला क्रीड़ा संकुल नागपुर की ओर से पारशिवनी शहर में प्रतिभावंत खिलाड़ियों के लिए 5 एकड़ की जगह बीचों बीच क्रीड़ा संकुल तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की स्थानीय क्रीड़ा अकादमी की ओर से शहर में क्रीड़ांगन की मांग सालों से की जा रही थी। यहाँ के धोद्रा रोड पर 5 एकड़ जगह मुहैया की गई। यहाँ पर 7 लाख रुपए खर्च कर जगह का सपाटीकरण किया गया, जिससे लग रहा था कि यहाँ पर बड़ा खेलने का मैदान तैयार होगा, लेकिन इस क्रीड़ा संकुल के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर यहाँ पर 5 सालों से क्रीड़ा संकुल का काम धीमी गति से किया जा रहा है, जो यहाँ के क्रीड़ा प्रेमी से धोखा किया गया है। बरसों से यहाँ पर क्रीड़ांगन की मांग होती आ रही थी, पर यहाँ के क्रीड़ा संकुल तैयार किया जा रहा है, जो कि जगह के बीचों बीच तैयार हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं है। आखिर हम खेले तो खेले कहा, यह सवाल पूछने पर भी कोई जवाब नहीं है। पूर्व विधायक ने यहाँ के बच्चों के लिए क्रीड़ांगन हो इसलिए प्रयास नहीं किया, इसलिए यहाँ की जगह आज क्रीड़ा संकुल तैयार नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए अगर क्रीड़ा संकुल के लिए खर्च होते हैं तो आज यहाँ के हजारों बच्चों को इसका फायदा जरूर होता, पर यहाँ पर बीचों बीच क्रीड़ा संकुल तैयार हो रहा है, यह किस काम का है? जहाँ जिसकी जरूरत हो वह अगर तैयार होता है तो आज यहाँ के क्रीड़ा प्रेमियों में आनंद होता। यहाँ के विधायक इस ओर ध्यान देते तो आज यहाँ भव्य क्रीड़ांगन तैयार किया जा सकता था, जो नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर क्रीड़ा संकुल का काम हो रहा है, जहाँ की यहाँ पर क्रीड़ांगन बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे जगह मुकर्रर की गई थी, मगर यहाँ पे के क्रीड़ा संकुल बनाया गया वह भी धीरे धीरे इसकी बनते समय यहाँ जो जगह थी उसके बीचों बीच यह जगह ये बनाया गया है, हॉल बनाया गया। अब यहाँ पर किसी प्रकार का ना ही तो ग्राउंड बचा है और ना ही जगह बची है जहाँ की बच्चे खेल सके या कुछ यहाँ कंपटीशन हो सके। यहाँ पे एक नियोजित जगह जो बनाई गई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर बड़ा क्रीड़ांगन बने जहाँ की हर प्रकार के खेल यहाँ पर खेले जा सकते थे, मगर यहाँ पे कुछ अनदेखी की गई, जिसकी वजह से आज यह एक संकुल बना हुआ है और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए इस पारशिवनी शहर में कोई भी जगह नहीं बची। इस वजह से आज ये जो संकुल बना इस किस काम का है या किस उपयोग में आएगा, इसकी भी कोई अभी जानकारी नहीं आ रही है। और इतना बड़ा पैसा यहाँ पर जो खर्च किया गया, इतनी जो मेहनत की गई थी, लोगों ने यहाँ क्रीड़ांगन की मांग की गई थी बच्चों ने खेलने के लिए, और यहाँ के ग्रामीणों ने मांग की थी कि यहाँ क्रीड़ांगन हो, बच्चों को खेलने को मिले, मगर ऐसे उस तरह से यहाँ पर कोई नज़ारा दिखता नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर घास और पत्थर पड़े हैं। यहाँ पर लाखों रुपये खर्च किए गए, ना पिछले आमदार ने यहाँ पर कुछ किया था और ना ही जो अभी आमदार है उन्होंने भी यहाँ पर ख्याल दिया नहीं। इस वजह से आज इस क्रीड़ांगन कुछ जगह जो थी उसकी यह हालत करने में यहाँ का जो राजनीतिक स्तर है, यहाँ का जो राजनीतिक स्तर है वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दिया। इस वजह से आज इस पार्षद में बच्चों के लिए क्रीड़ांगन की व्यवस्था नहीं है। मैं रूपेश खंडारे, बीसीएन न्यूज़, पारशिवनी।